जीत के साथ आगे बढ़ रहे हैं so, चलिए अगले हाई वोल्टेज मैच की तरफ बढ़ते नाउ इट्स टाइम टू फोकस ऑन द मैच नंबर सिक्स वन साइड दिल्ली धमाका side अदर साइड महाराष्ट्र ए एन बी वॉरियर्स openers are रेडी here टू स्टार्ट द मैच फर्स्ट बॉल पहला गेंद यहाँ पे पहला गेंद जिस तरह से आई यहाँ पे तो नो बॉल का इशारा और साथ में बोलर को भी वर्न किया गया यहाँ पे तो बीमर डाला गया था यहाँ पे दोनों टीम के लिए बहुत ही खास ये मैच एक तरफ दिल्ली धमाका जो दो मैच में दो मैच जीत चुके हैं और दूसरी तरफ महाराष्ट्र ए एन बी वॉरियर्स इन्होंने भी दो मैच खेले हैं और दो ही मैच जीते हैं तो ए ओपनर कृष्णा सतपुते बॉल को वहां पर बाउंड्री के बाहर जो फ्री हिट का मौका था उसको काम में लगाए कृष्णा सतपुते की तो कल क्या बढ़िया बैटिंग किए थे तो वही रिदम फिर से एक बार यहां पे दिखता हुआ एकदम शुरू में यहां पे एक मौका फ्री हिट का मौका था तो आपके पास फ्रीडम था कि बड़ा शॉट खेलिए बॉल फिट से एक बार इस बार दिशा बदल के खेलने की कोशिश इसी बीच रनिंग बिटवीन द विकेट इज वेरी फास्ट मुन्ना शेख एंड कृष्णा सतपुते स्ट्राइक चेंज कर चुके हैं यहाँ पे और एक रन जुड़ता हुआ स्कोरबोर्ड पे तो रन पहुंच चुका है यहाँ पे छह पे और ये देखिए राणा अविनाश टीम के कप्तान यहाँ पे पहला ओवर गेंदबाजी करते हुए तो सामने होंगे यहाँ पे मुन्ना शेख तो महाराष्ट्र के दो सलामी बल्लेबाज तो नाम नहीं ब्रांड हैं ये दो और थर्ड मैच अपने टीम के लिए खेल रहे हैं तो दोनों ही टीम इस टूर्नामेंट में अपना थर्ड मैच खेल रहे हैं तो फिर से एक बार अच्छी स्टार्ट के लिए यहाँ पे सबसे बाहर हल्के हाथों से खेले वहां पे फिल्टर पहुंच जाएंगे वहां पे तो एक और सिंगल जुड़ता हुआ दुबई बुक प्रेजेंट इंडिया कप टू के टू थ्री वन मैच नंबर सिक्स तो काफी इंपॉर्टेंट ये मैच दोनों ही टीम के लिए तीसरा चीट की यहाँ पे कोंच चलता हुआ इसे बीच ऑफ स्टंप से थोड़ा बाहर रखें यहाँ पे तो ये एक बेटर सोच यहाँ पे बॉलर के द्वारा की थोड़ा बाहर रखा जाए ताकि वहां पे शॉट खेलते हुए अगर एज या मिस टाइमड होते हैं तो वहां से विकेट उठाने का मौका मिल सकता है और ये देखिए क्या खूबसूरत नजारा सिंगर्ड इंस्टिट्यूट्स इस वक्त आपके स्क्रीन के सामने फिर से एक बार बड़ा शॉट की कोशिश फिल्टर तो पहुंचेंगे लेकिन हाथ में बॉल को रख नहीं पाएंगे संस्कार थे वहां पे तो पिछले मैच में देखे थे संस्कार गलती ज्यादा करते नहीं लेकिन इस बार काफी टफ मौका तो कैच हुआ नहीं और इसी बीच कमेंट्री बॉक्स में पहुंच चुके हैं अपना आकाश चोपड़ा दैट मीन्स हर्षित वेलकम हर्षित सो थैंक यू सो मच सुमंतो साहब और क्या खूबसूरत अंदाज में भी देखा आपने कमेंट्री में बया किया है हाल बात करते हैं बहुत सारी फैनों की दर्शक यहां पर मौजूद है कृष्णा सतपुत यहां पर मौजूद है महाराष्ट्र की टीम खेल रही है एनबी वॉरियर्स अगली गेंद की तरफ चलते हैं यहां पर और अगली गेंद एक बार पुनः हिटिंग द रिच केप जिसे आप लेंथ को कहते हैं दो की भाग की है पहला बहुत तेज दौड़ा है और दूसरा भी प्राप्त यहां से कर लेंगे सुमंतो सर क्या कहना चाहेंगे आप धमाका क्लब एक बहुत अच्छी टीम है और एनबी वॉरियर्स की भी उतनी ही सशक्त टीम है बिल्कुल दोनों ही टीम काफी बड़ी टीम और परफॉर्मेंस के बारे में अगर बात किया जाए हर्षित तो देखिए दोनों ही टीम दो दो करके मैच खेल चुके हैं दोनों ही टीम अपनी दो जीत को यहाँ पे मुकम्मल कर चुके हैं तो तीसरे जीत की खोज ग्रुप टॉपर होने की खोज यहाँ पे चल रहा है जी हाँ ग्रुप टॉप पर देखते हैं कि कौन सी टीम होगी एनबी वॉरियर्स दो में से दो मुकाबले जीती है धमाका क्लब दो तो में से दो मुकाबले जीती है, और एनबी वॉरियर्स अपनी बतौर गेंदबाजी के तौर पर बहुत अच्छा खेलिए धमाका क्लब की बल्लेबाजी बहुत अच्छी है तो मुकाबला डायरेक्टली कहीं ना कहीं एनबी वॉरियर्स की गेंदबाजी और साथ ही साथ धमाका क्लब की बल्लेबाजी का बड़ा हो सकता है बट अभी दोनों अपोजिट एंड पर है बिल्कुल और इसी बीच देखिए फर्स्ट ओवर का खेल यहाँ पे समाप्त हो चुका है पहले ओवर के बाद ग्यारह रन महाराष्ट्र ए एनबी वॉरियर्स टीम की स्कोर और कोई भी विकेट खोई नहीं और जो हम एनबी वॉरियर्स की बात करें वो एनबी वॉरियर्स है नीलेष भेनताड़े वॉरियर्स और वही वो नीलेष भेत साहब जिनकी हम बात करते हैं एक बहुत ही अच्छी परिपक्वता के साथ उनकी पर्सनलिटी नजर आती है और दर्शकों की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर दर्शक को देखिए उमड़े हुए हैं और यहाँ पर आपको स्क्रीन पर भी नजर आ रहे हैं शोर मचाते हुए और शोर मचाइए इंडिया को फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पर और मस्ती के साथ यहां पर झूम जाइए सुमंत जी क्या कहेंगे पुणे की ये इवनिंग जो कि है इस एनर्जी को क्या कहेंगे आप तो इस एनर्जी को सलाम हम सभी की तरफ से जिस तरह से क्राउड यहाँ पे आ रहे हैं और मैच का मजा उठा रहे हैं शोर जिस तरह से कर रहे हैं तो एक अलग एटमोस्फियर इलेक्ट्रीफाइंग एटमोसफियर कह सकते हैं इसको जी हां कृष्णा सातपुते और साथ ही साथ उनके साथी बल्लेबाज मुन्ना शेख दो ऐसे सलामी बल्लेबाज जो अगर आप बात करें करंट इंडिया की जो सबसे बेहतरीन ओपनर्स में से है ना इन दोनों के नाम कहीं ना कहीं उन पांच में शुमार होंगे ही होंगे और ये दोनों जब एक साथ खेलेंगे एक बड़ी साझेदारी अभी, अभी अभी आनी शेष है इन दोनों की मुझे लगता है सुमंतो जी अगर गेंदबाजी क्रम में थोड़ा सा इधर उधर हुआ ना तो ये सबसे बड़ी सलामी साझेदारी करने का दमखम रखता है ये बल्लेबाजी पेयर तो देखिए दोनों ही टीम पहला मैच दिल्ली धमाका जो यूपी योद्धास के विरुद्ध जीते थे और दूसरा मैच वेस्ट बंगाल के विरुद्ध और महाराष्ट्र ए पहला मैच वेस्ट बंगाल और दूसरा मैच यूपी योद्धास के विरुद्ध तो दोनों ही टीम इस बार आमने सामने जी हां दोनों ही टीमों ने

और देखिए दिल्ली धमाके की अगर बॉलिंग साइड की बात करें तो अनुराग फिलहाल बॉलिंग डाल रहे हैं राणा अविनाश है शिवम है, है राजू मुखिया है तो बॉलिंग डिपार्टमेंट काफी स्ट्रॉन्ग है लेकिन सामने कौन है सामने महाराष्ट्र ए एन बी वॉरियर्स की टीम जहां पे कृष्णा सतपुते मुंडा शेख अजीत मोहिते विजय पावले जैसे प्लेयर बैटिंग करने के लिए आएंगे जी बहुत बढ़िया लाइनअप बहुत ही बेहतरीन सितारों से सुसज्जित यहाँ पर, पर अविनाश राणा की बात की और अविनाश राणा जो है कटर्स डालते हैं बहुत अच्छी गेंद को मिश्रित करते हैं अभी गेंदबाजी पर अनुराग है चार गेंदे हुई है सिर्फ दो रन आए और दिल्ली धमाके की अगर बात करें तो पिछले कुछ सालों में जिस तरह से दिल्ली धमाका पूरे इंडिया में विन विन टूर्नामेंट में धमाका किए हैं तो इसका श्रेय जाता है उनके ऑनर हेमंत बनियाल जी को बिल्कुल जाना चाहिए टेनिस क्रिकेट का एक बहुत बड़ा नाम जिनकी आपने वहां पर चर्चा क्लब क्यों जीती मुकाबले इसका एक और कारण ये है सुमंतो जी की इन्होंने गेंदबाजी क्रम में शुरुआत में हमेशा विपक्षी टीम के सलामी बल्लेबाजों को आउट किया है जिसके बाद एक बहुत बड़ा स्कोर नहीं बनने दिया है लास्ट सीजन के बेस्ट बोलर बाएं हाथ के श्रेष्ठ गेंदबाज लीजे लीजे पिछली दो गेंदे कहा बाउंसर के साथ मुन्ना शेख को लगातार बतौर गेंदबाज आप में पूरा दम है खम है तो मात्र रन का ओवर ये ओवर अनुराग के ओवर से मात्र रन और हर्षित ये भी देखना है कि आपके सामने बैटिंग कौन कर रहे हैं मुन्ना शेख बैटिंग कर रहे हैं काफी एक्सपीरियंस क्रिकेटर और महाराष्ट्र की इन पुण्य भूमि में क्रिकेट चल रहा है यहाँ पे तो एक प्रेशर भी है लोकल जो होता है मुन्ना तो शेख की बात कर लें ले, तो बहुत सारे खिलाड़ियों के बहुत सारे फैंस हैं पर, दमागा है यहाँ पर क्लब ये देखिए ऐसा लग रहा है कि जैसे घड़ी में साढ़े सात बज रहे हो बल्कि सवा ग्यारह हो चुके हैं यहाँ पर ग्यारह बज के ग्यारह मिनट हो चुके हैं जो एक लकी नंबर कहते हैं वह देखते हैं किस टीम के लिए कैसे लकी होगा ये नंबर तो रात बाकी है बात बाकी है अभी भी लेकिन न्यूज आएगा यहाँ पे जी हाँ एक बहुत ही बड़ी इंफॉर्मेशन इस टेनिस क्रिकेट डॉट के, के माध्यम से हम आप सभी युवा दर्शकों को दे देते हैं कि आज के दिन का जो अंतिम मुकाबला था यानी कि जहां पर आपको राजस्थान की टीम खेलते हुए नजर आ रही थी वो अब ये जो मुकाबला होगा महाराष्ट्र बी के विरुद्ध उनका मुकाबला था वो सीधा आप कल पर यहां पर देखा जाएगा इसी के बीच बता दें थर्ड मैन पर एक बाउंड्री है बट एक बार मैं फिर से बड़ी ही क्लियर वॉइस में कहता हूं कि जो आज के दिन का अंतिम मुकाबला था जो कि एमएमसी संबलपुर बना महाराष्ट्र बी का होने वाला था वो अब कल के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है कल दिन में ढाई बजे टीमों की रिपोर्टिंग है और तीन बजे वो पहली गेंद डलने का समय है तो प्लीज दोनों ही टीमें इस बात को ध्यान से सुन लें और बतौर दर्शक आप समय मत लगाइएगा हमारे साथ ढाई बजे स्ट्रीमिंग चालू हो जाएगी

देखिए भाषा जो भी बोल लेते हैं कम से कम कोशिश ये करते हैं कि दर्शकों के दिल तक पहुंच सके बस आ, काम तो आ, यही है क्या बात है दिल को छू लेने वाली बात यहाँ पर आपने कर दी है और बड़ी मीठी भाषा कहते हैं हम पश्चिम बंगाली इस बार ज्यादा सफल कर गए थे अगर आपने देखा ज्यादा सफल कर गए थे यहाँ पर जैसे हमारे अफाफूल भाई किसी भी लड़की को देखते हैं वो सफल कर जाते हैं बहुत दूर उनसे वैसे यहाँ परम से ज्यादा दूर की तरफ सफल कर गए थे बल्लेबाज पीछे फाइनलेग की दिशा में शॉट खेलने का प्रयास किया था इन्होंने देखिए आफा फुल है ही ब्यूटीफुल लेकिन प्रशांत सर भी हर दिशा पे अपना नजर वहां पे बरकरार रखे हैं एज ए कैप्टन पूरा कमेंट्री बॉक्स को यहाँ पे दिख रहे हैं अच्छी तरह से जी एग्जैक्टली exactly. बहुत अच्छा इन्वायरमेंट यहाँ पर देता है क्रिकेट को और अगली गेंद की तरफ सीधा प्रस्थान करते हैं अविनाश राणा

तो दर्शकों बता दें आपके पास भी टेनिस क्रिकेट और इंडिया कप की जीतने का मौका है आपको करना क्या काम है है आपको पर जाना भी एंकर हर्षित और सभी खिलाड़ियों को टैग करना है आप जीत सकते हैं शानदार हर्षित यहाँ पे स्टोरी तो बन चुका है इंडिया कप खुद चैप्टर पूरे क्रिकेट की इतिहास में टेनिस क्रिकेट की इतिहास में, वहां पर की बात की थी। विकेट में से एक है अपनी टीम के जब अविनाश जब जब राणा की बात कहते हैं बल्लेबाज कहते हैं मुझको राणा जी माफ करना मेरा विकेट है मत लेना बट मुन्ना शेख का यहाँ पर विकेट चटकाया है धमाका क्लब के इस कप्तान ने अविनाश राणा रिमेंबर द नेम तो राणा जी माफ करने वालों से है नहीं फिलहाल विकेट चटकाए हैं और ब्रेक थ्रू लाके दिए हैं अपने टीम को ये देखिए बड़ा शॉट खेलने की कोशिश फ़िल्टर वहां पे खड़े तैयार थे और इसी बीच वहां पे फ़िल्टर के हाथ में बॉल तो विकेट फर्स्ट विकेट यहाँ पे खो चुके हैं एनबी वॉरियर्स की टीम एन बी वॉरियर्स अपना पहला विकेट गवाते हुए अभी भी वो बड़ी पार्टनरशिप इन दोनों की आई नहीं है मुझे तो ये लगता है अगर सेमीफाइनल फाइनल तक मुकाबलों में इनकी टीम गई ना तो इनकी बड़ी पारी जो है वहां तक पहुंच सकती है पर यहाँ अट्ठारह का स्कोर तीसरा ओवर चल रहा है एन बी वॉरियर्स कम स्कोर लगाती जरूर है बट इनकी गेंदबाजी में विक्की बोयर, बड़े-बड़े गेंदबाजी पर गेंदबाज हैं, बहुत ही अच्छे एक्सेप्शनल गेंदबाजी करने के लिए जानी जाती है टीम पर तीसरा ओवर चल रहा है सिर्फ अट्ठारह एक विकेट के नुकसान पर स्कोर है कृष्ण सतपुते एक तरफ पंद्रह पर कर रहे हैं बल्लेबाजी दूसरी तरफ नए बल्लेबाज अजीत मोहिते

आती रिवर्स स्वीप खेला है फील्डर पीछे की तरफ जज कहते हुए भाग रहा था क्या है चौका जरूर बचा लिया जाएगा बिल्कुल बचा लिया जाएगा रिवर्स स्वीप के लिए पहली गेंद पर इसे डेरिंग शॉट कहता हूं मैं क्योंकि बिल्कुल विकेट टू विकेट लाइन के आसपास गेंद थी ठीक थी क्योंकि मैन का मौजूद था एक होता है, हमेशा ये, कुछ रन मिलेंगे सुमंतो जी एक बात बताता हूँ आपने अनुशासन की बात की थोड़ी देर पहले जब मैं हरीश पंड्या साहब के साथ बैठा था उन्होंने चार अ के बारे में मुझे बताया था कि क्रिकेट में चार अ बहुत इंपॉर्टेंट है एक अनुशासन दूसरा अनुसंधान तीसरा अनुसरण और चौथा आत्मविश्वास ये चार अ जो हैं आपको क्रिकेट के सरताज बना सकते हैं इंडिया कप में अगर आपको जीतना है तो हरीश पंड्या साहब का ये चार अ का जो मूल मंत्र है उसे क्रिकेट में यहां पर झोंक देना है तो चलिए माला जपते रहेंगे इस चार अ का लेकिन फिलहाल मैच की तरफ बढ़ेंगे चौथा ओवर यहाँ पे बॉलिंग पे लाया गया है अनुराग को फिर से एक बार और ये लीजिए अ से अनुराग वाह क्या बात है

50 प्लस रन तो कम से कम बना ही देंगे यहाँ पेदारी पे तो कम, कम तीस रन तो आप बनाना चाहते हैं अजीत मोहिती कृष्णा सतपुति और आने वाले बल्लेबाजों में बहुत गहराई है सुमंत्र जी आने वाले बल्लेबाजों में कौन कौन है देखिए विजय पावले अभी भी आने में बाकी हैं कृष्णा काउली हैं तो अक्षय तावड़े हैं तो वो काफी सारे बड़े नाम यहाँ पे जो सब जुड़ सकते हैं आएंगे कौन कब आएंगे ये तो टीम मैनेजमेंट तय करेंगे लेकिन आखिरी तीन ओवर में तीस रन ये तो एक्सपेक्टेड है कम से exactly, कम इस टीम से एक्जैक्टली बिल्कुल एक्सपेक्टेड है और मैं तो कहता हूँ कि पचपन के साथ के स्कोर फिर से आने वाला है वो पचपन छप्पन रन आने वाले हैं और पचपन छप्पन एक ऐसा स्कोर है जो हर मैच को बहुत इंटरेस्टिंग बना लेता है

खतरे की घंटी रहती है पर ये हेलीकॉप्टर खतरे की घंटी है कृष्णा सतपोते इन द फॉर्म हेलीकॉप्टर निकाला है और इसे गड़ के स्टेडियम में लॉन्च पैड बनाया है अद्वितीय है अविस्मरणीय प्रशंसा जज्ञ के शॉट मजा सातवें आसमान पर तो सिक्सर किंग है ये और जिस तरह से शॉट खेलते हैं वहां पे हेलीकॉप्टर उड़ी भी थी और बाउंड्री के बाहर लैंड की तो सेफ लैंडिंग यहां पे सेफ लैंडिंग सेफ लैंडिंग और ये ऐसे शॉट जब लारते हैं ना जब मजा आ जाता है अपनी लाखों की तादाद में हजारों की तादाद में दर्शक साथ लिए चलते हैं कृष्णा पुते जब कृष्ण भगवान बांसुरी बजाए करते थे वो बड़े मधुर लगते थे और कृष्णा जब साथ पुते ऐसे शॉट्स खेलते दर्शनीय लगते हैं देखते जाइए देखते जाइए और जपते जाइए इनकी माला अगली गेंद अच्छी वापसी बतौर गेंदबाज पटकी हुई गेंद बिल्कुल और आप ही के बात को रिपीट करना चाहेंगे कृष्णा सतपुते जब जब बैट लेके ग्राउंड पे पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं की तरह ही वो अपने बैट को सुर उठाते रहते हैं और वही सुरे गएली आपने बिल्कुल सही कहा कि मधुर आवाज जो इनकी बल्ले से आती है ना वो सच में मजा आ जाता है उसे बस सुनकर ले चले अगली गेंद की, की तरफ एक और बॉल देखिए किसी भी गेंदबाज को ना छक्के लगते हैं पर एक बड़ा गेंदबाज वो होता है जो छक्कों के पश्चात अच्छी वापसी करे और एक बहुत अच्छी वापसी यहां पर अनुराग करते हुए एक यानी ग्यारह गेंदे इन्होंने डाली है सिर्फ दस रन देना ये ग्लोबल गेमिंग यूनिवर्सल बेहतरीन गेंदबाजी कहना चाहूंगा मैं इसे और देखिए जिस गेंद पे छक्का जड़े थे वहां पे कृष्णा सतपुते वो एक बेहतरीन शॉट भी था ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा फिर से एक बार अपने बॉलिंग मार्क पे वहां पे अनुराग और इस इस बार बार तो जो गेंद गेंद थी 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 ना वो अपील थोड़ी सी की गई है पीछे शॉट खेलने का प्रयास था तेज धीमी नहीं डाली थी। जरूर कहीं ना कहीं शरीर के हिस्से पर जाकर लगी पर वो हाथ और बैट नहीं था इसलिए आउट नहीं करार दिया जाएगा ओवर समाप्त हो चले चार स्कोर क्या पहुंच चुका है आइए बताते हैं चार ओवर का खेल समाप्त चार ओवर के बाद अट्ठाईस रन और एक विकेट एनबी वॉरियर्स की स्कोर तो तो पहला ओवर का खेल समाप्त कहीं तो कहीं ना हर्षित गेंद गेंद से बचे वे हैं और मतलब की कि स्लॉग जितने आए उतने अब दो चाहिए रन पर धमाका क्लब की मैं बात कर रहा था मुझे लग रहा था सिर्फ इनकी बल्लेबाजी बहुत अच्छी है इनकी गेंदबाजी भी बहुत बहुत बढ़िया है महाराष्ट्र जैसी टीम को यहां पर एनबी वॉरियर्स खेल रहे कृष्ण साधपु यहां पर अजीत मोहित थे इससे पहले मुन्ना शेख आईटीसी टी में हमने इन तीनों का वहां पर बहुत बड़े सारे नाम देखे यहां आप दर्शकों को देखिए कितने सारे फैंस हैं जरा हाथ ऊपर कीजिए जरा दर्शाइए कि आप सभी यहां पर मुकाबलों को देख रहे हैं ये लीजिए कुछ फैंस अपने हाथ ऊपर करते हुए और नीलेष भिंताड़े दादा भी यहाँ पर जो सर्वे सर्वा है एन स्पोर्ट्स फाउंडेशन के उनका भी अभिनंदन करते हैं स्वागत करते हैं तो इतिहास रचे हैं यहाँ पे एनबी फाउंडेशन और क्रिकेट जो सब पे इंडिया इंडिया का पूरे इंडिया की क्रिकेट की त्यौहार यहाँ पे सबको गिफ्ट किए हैं तो आ, ये गिफ्ट है और अभी तो वैसे दिवाली में बहुत समय बचा है उसके बावजूद पहले वो गिफ्ट आया है और अब देखते हैं कि अगर तोहफे नहीं दिए ना अंतिम दो ओवर्स में तो ये जो स्कोर है पचास बनना मुश्किल हो सकता है या तो वो एक्सीलेंस दर्शाना पड़ेगा इसीलिए हम कहते हैं सुमंतो जी मैं हमेशा अक्सर बड़े बड़े नामों को कहते हुए सुनता हूँ कि बल्लेबाजी आपको मुकाबले जिताती है और गेंदबाजी आपको चैंपियनशिप जिताती है बिल्कुल और देखिए फिर से एक बार गेंदबाज नया गेंदबाज वहां पे बॉलिंग के होंगे। राजू मुखिया आएंगे गेंदबाजी करने के लिए तो फिर से एक बार बॉलिंग डिपार्टमेंट पे और एक बड़ा नाम तो आने वाला समय कठिन होने वाला है यहां पे फाइट्स कठिन होने वाला है राजू आए फुल टॉस के साथ स्वागत किया है उनका एक बड़े शॉट के साथ रिवर स्वीप का ये चक्का। अजीत मोहिते एक शॉर्ट खेलते हैं पसंद करते हैं हालांकि इस गेंद को कहीं भी दिशा में खेला जा सकता था बट इन्होंने चूज किया पॉइंट के ऊपर से अजीत मोहिते यहां पे सबको मोहित किए हैं फुल टॉस गेंद यहां पर आगे यहां पे माप लिए था और देखिए किस तरह से पोजीशन बनाए शॉट खेले और पूरे छह रन तो पहला गेंद कहीं ना कहीं राजू मुखिया को जेंटलमैन बना नहीं पाया देखना पड़ेगा इस ओवर के आखिरी पांच गेंद किस तरह से बॉलिंग कर पाते हैं जगह पे बॉलिंग करते हैं और प्रशांत दावड़े साहब की भाषा में कहें तो खूब लंबी तानी है रुकने की नहीं ठानी है इस बल्लेबाज ने क्योंकि जिस तरह से वो राइमिंग का यूज करते हैं और बहुत सारे शब्दों का यूज करते हैं मजा आ जाता है यहां दर्शक मजा ले रहे गेंद ऊपरी ज्यादा गई है ज्यादा दूरी है नहीं फील्डर मेकिंग नो मिस्टेक बिग विकेट गोज डाउन संस्कार थे वहां पे फिल्टर और संस्कार के से यहां पे पे एक 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 बार और एक, और और एक कैच को लपकते हुए विकेट यहां पे। बड़ी सफलता बड़ी सफलता इसी के बीच में एक और बार अपडेट किया कर देते हैं आप सभी को जो आज के दिन का अंतिम मुकाबला होने वाला था एमएमसी संबलपुर बनाम महाराष्ट्र बी वो मुकाबला अब कल दिन में खेला जाएगा जहां ढाई बजे हम आप सभी को यहां ग्राउंड पर मौजूद मिलेंगे दोनों ही टीमों से निवेदन है समय पड़ा बलवान है समय ने कराई रामायण है समय ने कराई महाभारत है समय का जरूर ध्यान रखें दोनों ही टीमें फिक्स जाएं बजे बजे पहुंच क्योंकि वो पहली गेंद डल जाएगी पौने तीन लगभग टॉस का समय रहेगा तो प्लीज दोनों ही टीमें तैयारियां कर कर आइएगा सीट की पेटियों को बांध कर आइएगा बैटर तो यहां पे आए हैं बैटिंग करने के लिए शुभम बोरे तो और एक बड़ा नाम चार ओवर का दो बॉल चार ओवर दो बॉल का खेल हो चुका है थर्टी फोर लॉस्ट ऑफ टू तो यहां से इस ओवर के चार गेंद और अगले ओवर के और छेंद गेंद तो दस गेंद अब जो टारगेट हम लोग प्रेडिक्ट कर रहे थे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत क्वेश्चन मार्क में चलिए अफाफूल भाई के कहने पे आपको एक और बार मौका देते हैं प्रेडिक्शन में बदलाव कर दीजिए अगर करना चाहते हैं दस गेंदों में कितने रन वो डिजिट बताइए हमें आप तो सर क्या आप हमको फंसाने के लिए यहां पे <laughs> बैठे हैं? देखिए <laughs> रात में सवा ग्यारह साढ़े ग्यारह बज चुकी और है और हमारे दर्शक वो एंटरटेनमेंट चाहते हैं थोड़ा तो एंटरटेनमेंट का मतलब <laughs> तो ये नहीं है कि रात को आप दर्शकों से हमको पिटाए हैं गलत प्रेडिक्शन करने के लिए इसी बीच और एक टॉट बॉल राजू मुखिया पहला गेंद जहां पे छक्का मिला था उसके बाद विकेट और उसके बाद डॉट बॉल तो वापसी करते हुए यहाँ पे शुभम बोरे अभी अभी बैटिंग करने आए हैं यहाँ पे से बाहर खींचे हैं इस बार मिड विकेट के ऊपर से जाइए बॉल उठा के लाइए बेहतरीन शॉट और मिलेगा पूरे छ रन शुभम बोरे दिल मांगे मोर तो रन पहुंच चुका है यहां पे फोर्टी पे एनबी वॉरियर्स जिस तरह से यहां पे बैटिंग कर रहे हैं फिर से एक बार शुभम मोरे एक उम्मीद की किरण अपनी टीम के लिए यहां पे देते हुए और काफी खुश यहां पे एनबी वॉरियर्स के सपोर्टर्स एक अच्छा शॉट एक बिल्कुल तारीफ शॉट था पर मिले थे, इस बार पर दो मिलेंगे और बहुत अच्छी शॉट सिलेक्शन स्क्वायर ऑफ हर बल्लेबाज के लिए जरूरी होता है कि आप अपनी स्ट्रेंथ पर खेलें और सुमेंद्र जी उस बात पर वापस आते हैं आपने कहा था दर्शकों से पिटवाना बल्कि दर्शकों से आपको तमाम प्यार मिलता है और ये देखिए बबल्स जोड़े जा रहे दर्शकों का प्यार ये आपके प्रति है उन्होंने कहा है कि सुमंतो जी के लिए शानदार लीजिए आबाद तो ये बबल्स इंडिया कप के ऊपर सभी का प्यार भी है जो बबल्स उठते हुए देश के हर कोने में पहुंचना चाहिए जो आप बिल्कुल देश के हर कोने में पहुंचना चाहिए पर यहां कोने में जाएंगे विकेट कुल चिपकाएंगे गेंद के साथ और उसके बाद अंपायर कहेंगे ऊपर वाला एक है जाइए और सीधा पवेलियन की दिशा में और एक विकेट फिर से एक विकेट यहां पे। तो इंडिया कप टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट में फर्स्ट टाइम एवर जहां पे स्टेट वर्सेस स्टेट का गेम यहां पे चलता हुआ और आज की आखिरी मैच ये मैच जी हाँ आज के दिन का अंतिम मुकाबला है और अभी देखिए कुछ छक्के इस ओवर में आए थे कुछ बड़े शौच इस ओवर में यहां पर आए थे बयालीस का स्कोर है पांच विकेट के नुकसान के बाद तीन पांच ओवर के पश्चात बयालीस तीन विकेट के नुकसान के बाद सीधा ले चलते हैं अब नए बल्लेबाज की तरफ कौन आ रहा है वो नया बल्लेबाज जो मुकाबले को एक बार फिर से मार्जिन दे सकता है अक्षय तावड़े ये तावड़े क्या यहाँ पर सही तरीके से पाक कर पाएगा अपनी गाड़ी को जो फिनिशिंग टच चाहिए अक्षय तावड़े क्या दे पाएंगे सुमंतो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप तो अक्षय तावड़े यहाँ पे ओपोनेंट की बॉलिंग को तोड़ना चाहेंगे यहाँ पे और इसके लिए चाहिए जो वो है बड़ा शॉट तो देखना पड़ेगा यहाँ पे किस तरह से बड़ा, बड़ा शॉट ला पाते हैं लेकिन दर्शक काफी खुश है जिस तरह से मैच चल रहा है काफी खुश दिख रहे हैं जी आ, हजारों लाखों की तादाद में देखिए हजारों लाखों की तादाद में यहाँ पर ये देते हुए नजर आ रहे हैं कृष्णा क्या आप ऐसे ही बल्लेबाजी बात करते चले जाइए हजारों लाखों की तादादों में जब एक साथ क्या पढ़ते हैं हर सब कोई इंडिया कप इंडिया कप वो मजा लगा जाता है माहौल बन जाता है और हमारी आवाज अगर आप सभी तक पहुंच पा रही तो हमारे साथ कहिएगा एक शोर में इंडिया कप इंडिया कप ये है एक ऐसा कप जो विभिन्न क्षेत्रों की टीमों को एकत्रित एक कर लेकर आता है जी बिल्कुल वन नेशन वन नेशन एंड ट्यून इंडिया कप इंडिया कप तो आठ स्टेट की टीम यहाँ पे फाइट कर रहे हैं कौन होंगे चैंपियन फिलहाल वेट करना पड़ेगा लेकिन एक से बढ़कर एक मैच हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे और ये देखिए प्रेजेंटेशन एरिया में भी बूझो तो जाने क्या इसमें से कोई बता सकता सकते कि कहाँ खड़ी है हमारी को एंकर रेशमा जी पूरी तरह से ढक दिया गया है उन्होंने अगर आप स्क्रीनशॉट लेके अगर आप हमें ढूंढ पाते हैं कि यहाँ पर कहाँ है रेशमा माइकर तो आपको एक शानदार सा प्राइज मिलेगा प्रशांत दावड़े साहब की तरफ से तो फिलहाल शायद वो खा... जो गिफ्ट है वो तैयार भी कर चुके हैं बॉक्स फिलहाल है यहाँ पे सामने कमेंट्री बॉक्स के सामने रख चुके हैं वो पर अब अंतिम ओवर का रोमांच प्लस थ्रिल चलते हैं सीधा दुबई बुक प्रेजेंस इंडिया कप का एक और बड़ा मुकाबला मैच नंबर 11 आइए किस तरह से आगे बढ़ेगा देखते हैं तो मोहित मीना को लाया गया है यहां पे आखिरी ओवर फर्स्ट बॉल आउट ऑफ ऑफ स्टंप यहां पे बढ़िया बॉलिंग डॉट बॉल मोहित मीना अंतिम ओवर की जिम्मेदारी इनके मजबूत कंधों पर दी है और अभी तक अच्छी निभाई है पहली गेंद हुई है कृष्णा सतपूत अभी भी ऑफ स्ट्राइक हैं स्ट्राइक पर हैं हमारे साथी अक्षय तो मोहित इस बार शॉट ऑफ लेंथ डिलीवरी और पहले ही लेंथ को वहां पे पिक कर चुके थे क्या बेहतरीन संपर्क यहां पे और मिलेंगे पूरे 4 4 4 रन जी जितनी बार आपने चार बोला है उतनी ही रन मिलेंगे यहाँ पर यानी कि चार रन पर मिलेंगे एनबी स्पोर्ट्स फाउंडेशन शानदार बाउंड्री ऐसे शॉट्स में जब जब देखता ना मजा आ जाता है सचिन तेंदुलकर याद की याद दिला देता है देखिए हालांकि वो इतना तेज उनका बैटफुल नहीं होता था वो सिर्फ गाइड कर देते क्योंकि लेदर बॉल बहुत तेजी के साथ जाती है बट यहाँ देखिए माहौल बन चुका है उत्साह बढ़ चुका है और ये इंडिया कप की एक असल पेशकश रखी है एनबी स्पोर्ट्स फाउंडेशन टेनिस क्रिकेट डॉट एन जेवीए ब्रदर्स सभी को दे हम धन्यवाद करते हैं अगली गेंद सीधे बल्ले के साथ मिड ऑफ ऊपर है पर लॉन्ग ऑन को उतना ही सीधा रखा है लीजिए फंबल हुआ है। वैसे आप इंडिया गेट कहा पाते हैं दिल्ली में धमाका क्लब की दिल्ली टीम ने दर्शाया कि पुणे में भी दिख सकता है इंडिया गेट और देखिए राणा अविनाश जिस तरह से वहां पे क्लैपिंग कर रहे हैं क्लीन ना 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 जो एक्सप्रेशन है काफी नाखुश है वहां पे तो संस्कार अच्छे फील्डर हैं, लेकिन इस वक्त जिस तरह से बाउंड्री छोड़े और वो देखिए फ्लैश लाइट अब जल चुका है दर्शक गैलरी की तरफ देखिए एक बार और बता दे हमारे सभी साथियों को कल इनसे भी बड़े बड़े मुकाबले होने वाले कल समय का ध्यान रखिएगा यहाँ तो विकेट शॉट खेला गुड लेंथ का स्क्वायर ऑफ द विकेट मौजूद यहां पर जाना पड़ेगा बल्लेबाजों को और ये जो फैंस है ना ये पता नहीं किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं जब चौकअप पड़ता है तब भी सपोर्ट करते हैं विकेट मिलता है तब भी सपोर्ट करते हैं इसलिए कहते हैं बच्चे मन के सच्चे तो देखिए वो क्रिकेट को सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे हर कोई क्रिकेट को सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे सभी चाहते हैं कि एक से बढ़कर एक मैचेस हो और बेस्ट वर्सेस बेस्ट की जो फाइट देखने के लिए जो उम्मीद के साथ सब ग्राउंड पे आए हैं वो दिखने को मिले यहां पे और अब एक बाप उन्हें

इनके लिए एक इंस्पिरेशन की तरह है एक मोटिवेशन की तरह है फिलहाल बोहित मीना चार गेंदों से मात्र आठ रन एक विकेट तो प्रोजेक्टेड स्कोर यहां पे 50 प्लस जो था वो तो बन चुका है वो तो बन चुका है यहाँ पर और इसीलिए आपने बात रखी है मैं समझ भी गया कि एक बार फिर से आप दर्शकों तक तो ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि क्रिकेट की नॉलेज और प्रशन आपकी कितनी अच्छी है पर इक्यावन का ऑलरेडी स्कोर पहुंच चुका है पांच गेंद गेंद शेष है 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 अंतिम है। अगर ये चौका, -चौका लगता है ना तो पचपन छप्पन पहुंच जाएगा ये स्कोर तो देखिए हर्षित यहाँ पे नॉलेज ज्यादा दिखाना है नहीं क्योंकि देखिए सर बैठे हुए हरीश सर बैठे हुए हैं प्रशांत सर बैठे हुए हैं तो उनके सामने नॉलेज दिखाना मतलब की मानिए छोड़िए और बिल्कुल आपने सही कहा और कहते कहते जो रुके भी उसका भी हम सम्मान करते हैं आपका पर जोक से पाठ अंतिम गेंद पहली पारी चौके चक्के की उम्मीद थी पर सीधा यहां पर फील्ड लगे हाथ में गई है बिल्कुल गोदी में दूसरी पारी गेंद जाते हुए नजर आई है पहली ओवर से अबर पर मौजूद जरूर थे अंतिम ओवर तक अकेले टीम को इक्यावन के स्कोर तक पहुंचाया ओवर समाप्त हो जाएंगे छह इक्यावन पर पहुंचेगा टीम का स्कोर आधी टीम पवेलियन जा चुके दुबई बुक प्रेजेंस विकेट के साथ हुई पहली पारी समाप्त तो जीत के लिए यहाँ पे दिल्ली धमाका को चाहिए छह ओवर से 52 तो इससे पहले भी रन डिफेंड कर चुके हैं महाराष्ट्र एनबी वॉरियर्स की टीम तो क्या फिर से एक बार वही काम कर पाएंगे सुनने के लिए चलेंगे फिलहाल अफाफुल अंसारी और हरीश पंडिया साहब की तरफ और उससे पहले बता दें देखिए दर्शकों का अब जुनून देखिए ये आप जोश देखिए इन सभी दर्शकों का आपको अब अगली आवाज जो सुनाई देखिए कमेंट्री बॉक्स में वो अफाफुल भाई होंगे और साथ ही साथ और वेरी सीनियर जिनसे हम सभी इन द कमेंट्री बॉक्स बहुत कुछ सीख रहे हैं हरीश पंड्या साहब उससे पहले बता दें कृष्णा सतपोत्र बाईस रन दो रन बनाया पर मुन्ना शेख ने बहुत बड़ी पारी वहां पर खेल पाई नहीं जो आप उम्मीद करते हैं उनसे बाकी बल्लेबाज थोड़ा थोड़ा साथ दिया है बट साथ दे रहे हमारे साथ कॉमेंट्री बॉक्स में ओवर टू अफाफुल सर एंड साथ ही था पंड्या सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका हर्षित शर्मा जी जिन्होंने बहुत जोशीले अंदाज में आपका मनोरंजन किया उनके साथ में जुड़े थे हमारे सुमंतो दा और आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं दुबई बुक प्रेजेंट्स इंडिया कप सीजन वन ऑर्गेनाइज्ड बाय टेनिस क्रिकेट डॉट इन नीलेष भिंताड़े स्पोर्ट्स फाउंडेशन एंड जे वी ए ब्रदर्स मिस्टर विजय अग्रवाल पावर्ड बाय ग्लोबल गेमिंग किट पार्टनर विराट एपरल्स मैन ऑफ द सीरीज बाय एकवीरा बिल्डर्स नरेश बोईर सपोर्टेड बाय अक्षय चैतन्य एसोसिएट स्पॉन्सर ऑक्सीच एक्सक्लूसिव मैन ऑफ द स्पॉन्सर स्टार पंटर को स्पॉन्सर्ड ए प्लस स्पोर्ट्स दुर्गापुर वेस्ट बंगाल की ओर से एक क्रिकेट बैट ये इवेंट को पूरा मैनेज किया अल्टीमेट इवेंट मेकर्स एल एल पी ने और हमारा विशेष आभार है ट्रिपल एस और सावली क्रिएशंस मेरे साथ जुड़ चुके हैं अफाफुल और अफाफुल वालेकुम असल सर बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का और जितने भी क्रिकेट प्रेमी हैं यहाँ पे जितने लोग लाइव देख रहे हैं टेनिस क्रिकेट डॉट इन के माध्यम से तो सर मैच जो हम लोग प्रेडिक्शन कर रहे थे कमेंट्री बॉक्स में जब हर्षित तो और सुमंतो दाते हैं तो हम लोग साइड में बात करते हैं कि मेरे ख्याल से पचास पचपन बनेंगे और एक्जेक्टली सर वही टोटल है पे क्या कहेंगे इस टोटल के बारे में नहीं देखिए बिल्कुल सही है कल से जो एक प्रेडिक्शन आ रही है पचास पचपन छप्पन सत्तावन लेकिन पचास चाहिए तो दर्शकों का जो इंटरेस्ट है वो मैच में बना रहेगा और आप भी पश्चिम बंगाल से अपने सपने को पूरा करने के लिए यहाँ पर आए हैं और आपकी शान में एक ही चीज कह सकते हैं लाल फूल नीला फूल अफा फूल है वंडरफुल तो आपका भी स्वागत है और ये हमारे दर्शकों को दिखाया जा रहा है बहुत बड़ी संख्या में आज आई का मैच भी नहीं है और मौसम ठंडा है पुणे के दर्शक आज निकले हैं सारी सड़कें इस वक्त सिंहगढ़ कॉलेज के इस मैदान की तरफ आ चुकी हैं हजारों की संख्या में दर्शक कल शनिवार कल शुक्रवार है और कल भी ये तादाद बढ़ेगी जी हाँ अब काम करना है यहाँ पर जो टीम इस मुकाबले को जीती है वो ग्रुप को टॉप करेगी गुजरात की टीम अविजित रही है और अपराजित रही है क्योंकि उसने अपने तीनों मैचेस जीते हैं और ये जो स्कोर है यहाँ पर महाराष्ट्र ए एन बी वॉरियर्स टीम के गेंदबाज जो हैं ये किस तरह अपनी गेंदबाजी का जलवा दिखाएंगे ये एक सवाल होगा और दूसरी ओर धमाका क्रिकेट क्लब दिल्ली एनसीआर जो बहुत स्ट्रांग बैटिंग यूनिट हमेशा से रहा है कल उज्जवल ने जो शुरुआत की तब से लेके अब तक मुझे ऐसा लग रहा है ये मैच जो है ये भी आखिरी ओवर तक जाएगा ज़रूर फर्क सिर्फ इतना है कि जो टीम अपने गेम प्लान पर टिक कर अच्छा क्रिकेट खेलेगी वो इस मैच को जीत सकती है और फील्डिंग फील्डिंग एक एक्सपेक्टर रहेगा इस मैच में बिल्कुल सर आपने सही बात कहा कि इस टीम की बैटिंग लाइनअप और सर पिछले मैच में आपको याद होगा जिस तरह से सुरेश बल्लेबाजी किए थे बहुत जल्द मैच को फिनिश किया था और दूसरा में बैटर आ चुके हैं बैटिंग करने के लिए एक तरफ देख पा रहे पूजेश तो एक तरफ संजू और ये देखे दर्शक कितने खुश है चारों तरफ जहां जिनको मौका मिला वहां से मैच का आनंद ले रहे हैं कह रहे हैं कि हम भी हैं यहाँ पे हम भी हैं इंडिया कप में ये इस वीडियो के माध्यम से गवाह बन रहे हैं ये अच्छी बात भी है क्योंकि जब आप कैमरे में दिखते हैं, आपको है आपके लिए भी ये यादें रहती है कि आप घर पे बताकर आए हैं तो अच्छी बात है क्योंकि ऐसा है कि हम सबने लेक्चर के बहाने एक ना एक बार तो कभी क्लास को मिस किया पहला ओवर लेकर आ रहे विकी बोईर और उनके सामने बैटर है संजू कनौजिया संजू कनौजिया के ऊपर भी जिम्मेदारी रहेगी अच्छी बल्लेबाजी करने की और उनके साथ ओपनिंग पार्टनर पुजेश पुजेश ने कल अच्छी शुरुआत करके दी थी और संजू कनौजिया जबकि पहला ओवर करेंगे विक्की बोयर विक्की बोयर की गेंदबाजी में एक लय है ताल है और जब आप तालमेल वाली गेंदबाजी करते हैं लय में रहते हैं उनको दौड़ते हुए विकी भोईर को जब आप दौड़ता हुआ देखेंगे तो आपको ऐसा कभी कभी प्रतीत होता है कि शिकार के लिए शेर दौड़ रहा है जिस तरह से उसका रनअप है अप्रोच है प्री डिलीवरी स्ट्राइड, डिलीवरी स्ट्राइड और फॉलो थ्रू पांचों चीजें विकी भोईर की लाजवाब रही है आज पिछले दो तीन सालों में पहली गेंद और यहां पर फाइनल बाउंड्री के बाहर लगने वाला ये शानदार चौका बॉल के पेस का उपयोग किया वहां पर विकी के

स्कोर फोर अब पैंतीस गेंदे 48 रन इस बार देखिए अब ये ये फर्क है विकी भोईर ने सोचा कि अब गेंद को थोड़ा धीमा करता हूं और जगह पर खड़े रहकर पुजेश ने अपना विकेट तोहफे में दे दिया तो लगभग सेम लेंथ पे गेंदबाजी इस बार थोड़ा सा गति में हेर फेर करते हुए और फायदा मिला पहली बॉल पे बाउंड्री दूसरी बॉल पे विकेट वापसी करते हुए विकी तो पर चार रन एक विकेट के नुकसान पर विकी भोईर देखिए विकी भोईर को विकेट दिए बगैर उससे रन लेना मतलब किसी पठान से बिना ब्याज के कर्ज लेने वाली बात है और यहाँ देखिए सर सामने जो टोटल है इक्यावन रन उसके लिए आपको शुरुआती विकेट चाहिए और उस काम को बखूबी अंजाम देते हुए विकी पहली बॉल बाउंड्री दूसरी बॉल विकेट जाएंगे वापस पुजेश लौटे दो गेंदों में चार बनाकर उनकी जगह अब नए बल्लेबाज मैदान में अभी तक उतर नहीं पाए देखिए ये हिदायत तमाम टीमों से है ओवर मैदान में होना जरूरी है चौतीस गेंदों में अड़तालीस और नए बैटर के रूप में अब सुरेश भट्ट सुरेश भट्ट इनके ऊपर उम्मीदें रहेगी क्योंकि पिछला मैच उन्होंने बहुत लाजवाब बल्लेबाजी की थी लेकिन ये परिस्थिति अलग है यहाँ दो बाहुबली टीमें टकरा रही हैं दोनों टीमों को हार क्या है पता ही नहीं है दोनों ने दो दो मुकाबले जीते हैं और इसलिए दो में से एक जीतेगा एक हारेगा लेकिन यहाँ पर सिर्फ यही है कि अजीत मोहिते जिनको बेस्ट विकेट कीपर ऑफ द ईयर आईटीसी अवार्ड में मिला था वो क्यों मिला था ये एक बार फिर से दिखाते हुए बिल्कुल सर आपने सही बात कहा विकेट कीपर के रूप में अजीत मोहित और इनका ये, ये भी प्लस पॉइंट है सर हाइट जब आपके पास लंबे कच्चे कीपर होते हैं तो थोड़ा सा गेंदबाज के लिए बेनिफिट होता है खासतौर पर जब वो बाउंसर लगाते हैं गोलकीपर हो या विकेट कीपर अच्छी हाइट आपके काम में आती ही है और हाइट अच्छी है तो फाइट भी बड़ी होती है चार पर एक इस बार इंप्रोवाइज कर दिया क्या बात है शक्ति से ज्यादा युक्ति श्रेष्ठ सुरेश भट्ट नो इफ नो बट ओनली बट सुरेश भट स्कोर 8 एक विकेट पर तो ये देखिए रिप्ले में किस तरह से बहुत जल्द भाफ लिए थे कि मुझे ये शॉट खेलना पहले से प्लान कर लिए थे और फायदा मिला तो सर रिस्क बड़ा रिवॉर्ड बड़ा जी हां रिस्क जितना बड़ा उतना रिवॉर्ड बड़ा और इसीलिए लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं बाकी तो फिर म्यूचुअल फंड ही सही है पूरे दस्तावेज को ध्यान से पढ़ लें आठ रन एक विकेट के नुकसान पर ओहो क्या शॉट खेला है पिस्तौल से निकलती हुई गोली की तरह यहां पर सुरेश बारह बार एक एनबी फोर तो पहली बॉल बाउंड्री उसके बाद विकेट भी लगातार दो बाउंड्री सर तो क्या यहां पे आपका जो बात है कि इनसे रन लेना यानी विकेट देना तो क्या यहाँ पे खतरा हो सकता है सुरेश के लिए देखिए विकेट विकेट जाएगी उसकी परवाह नहीं है लेकिन ये पावर प्ले का ओवर है पावर प्ले में पावरफुल क्रिकेट खेलना होगा तेल जब गरम है उसमें पूरियां तलनी होगी गैस पर जब तवा गरम है तब रसोई बनानी होगी वरना सवाल पूछते रह जाओगे रसोड़े में कौन था तो रसोड़े में कौन था पता नहीं लेकिन कमेंट्री बॉक्स में मेरे साथ है हरीश पांड्या सर भारत की टीम में हार्दिक पांड्या और हमारे कमेंट्री बॉक्स में हरीश पांड्या सर ट्वेल्व फॉर वन इस बार बढ़िया गेंद थी बिल्कुल सीधी चैनल में आती हुई और ये हमारे दर्शक देखिए ये हरी घास के ऊपर बैठने का एक अलग आनंद है फॉर वन बावन रन बनाने हैं बारह बन इक्यावन बावन बनाने हैं जिसमें बारह बने हैं चालीस की दरकार और देखिए क्या शॉट है फ्लैट बैटेड शॉट शॉर्ट इंडिया आउट ऑफ द पार्क जन्नाटेदार चौका एनबी फोर

तो दोस्तों ये कल के चार मुकाबले आपके सामने दिखाए जा रहे हैं लेकिन कल का जो पहला मुकाबला रहेगा वो आज का आखिरी मुकाबला ये कल का पहला मुकाबला रहेगा उसके बाद दिल्ली एनसीआर पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र बी महाराष्ट्र ए गुजरात वेस्ट बंगाल राजस्थान एमपी और कल शाम को रात को इस इस वक्त तक हमें पता चल जाएगा सेमीफाइनल में कौन सी चार टीमें खेलेंगी

और दर्शक चाहते भी कि कुछ अलग हो जहाँ पे आखिरी तक कहना मुश्किल हो जिस तरह सर इस सार की अगर बात करें आई तो की तो आखिरी मैच तक सर सबकी निकायें था मैच के ऊपर कि कौन होंगे प्ले में कौन होंगे चौथी टीम तो कुछ इस तरह से सीनरियों वहाँ पे भी था और यहाँ पे भी क्या देखने को मिलेगा नए गेंदबाज विजय पावले पिछले दस साल के सबसे ज्यादा फिट खिलाड़ी का अवार्ड उन्होंने हासिल किया इंडियन टेनिस्ट क्रिकेट स्पोर्ट्स अवार्ड्स में गेंद करेंगे संजू कनौजिया को कनौजिया ने गेंद को पुल कर दिया और आसमान में खेलते हुए बाहर गुल कर दिया एनबी सिक्स ट्वेंटी टू फॉर वन थैंक यू थैंक यू कॉमेंट्री बॉक्स आदि कह पुणे श्योर मचेगा मचेगा श्योर क्या बात है क्या बात है और क्या आप हमें बता सकते हैं कि आप सभी कौन से कॉलेज से हो यहाँ <laughs> पर अगली गेंद बैकफुट पर जाकर खेला है स्क्वायर कट लगाना चाहते थे चौका बचा दिया गया वहां पर कृष्णा सातपुते द्वारा जो क्राउड पुलर खिलाड़ी है अच्छा कम बैक यहाँ पे पिछली बॉल पे ओवर बाउंड्री के बाद सिंगल हालांकि सिंगल इनसे मना किया यहाँ पे तो बेहतर सोच यहाँ पे रिस्क लेना नहीं चाहते सर इस वक्त 28 गेंदों में 30 रनों की जरूरत है सुरेश भट्ट चार बॉल 12 संजू कनौजिया दो बॉल छे इस बार अपर कट लगा दिया है और गेंद कुरियर के पार्सल की तरह फरार होती हुई यहां पर एन तो एक बार देखेंगे रिप्ले में किस तरह ये चौका लगा था अगर देखें थोड़ा सा जगह मिला तो ऑप्शन की और बहुत जल्द आगे पोजिशन में हर तरफ खेलते हैं यही खासियत है सर इनकी जी वाकई में मतलब ऐसा लगा देखिए जिस तरह नमकीन शॉट कहा जाएगा दिल्ली के छोले कुलचे और दही बल्ले की तरह तो एक तरफ बड़ा एक तरफ छोले कुलचे कौन किससे भारी पड़ेंगे वो तो वक्त बताएगा लेकिन यहाँ सर देखिए बॉल और रन जो अक्सर देखते हैं हम लोग जो रिक्वायरमेंट होती है सत्ताईस बॉल छब्बीस रन जीतने के लिए तो ये फासला कम होता हुआ धीरे धीरे जी हाँ पहली बार जो रन चाहिए वो गेंदों से कम है और आत्मविश्वास भरी पारी यहाँ पर दोनों बल्लेबाज दिखाते हुए दोनों डबल डिजिट में सुरेश भट्ट चार बॉल बारह संजू कनौजिया तीन बॉल दस विजय पावले तीन गेंदों में दस दे चुके हैं इस बार बढ़िया गेंद थी बल्लेबाज के शरीर पर दस कर आई स्टॉम्स थ्रू दी डिफेंस और वहां अंदर आती हुई गेंद पर थोड़ा जम करके खेलना पड़ा यह बहुत अच्छी चीज है इसमें विकेट भले न मिलाओ संजू कनौजिया को उन्होंने बैकफुट पर खींचा यह बड़ी बात है उसका ये भी कारण है सर वो टाइम ले रहे हैं वो जानते हैं कि कोई जरूरत है नहीं यहाँ पे रिस्क लेने की और ठीक ठाक रन आ रहा है बोर्ड पे कौन सी बॉल खेलनी कौन सी करना है तो अच्छा जज कर रहे हैं अगली बॉल कर संजू कनौजिया क्या बल्लेबाजी चल रही है क्या कहेंगे आप इस शॉट के बारे में

22 required of 25 क्या ग्लांस कर दिया है बॉल चली जाएगी फाइनल बाउंड्री के बाहर सिंहगढ़ कॉलेज के घास पर आग लगाने वाला वो ग्लांस का चौका तो चलिए अब धन्यवाद कहते हैं हरीश पंडित साहब एंड अफ्रफुल जी को और यहां ले चलते हैं महाराष्ट्र की शाना सपोर्ट ओके कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं आप सभी तो एक बार जय जय महाराष्ट्र हो जाए मैं बोलूंगा मैं बोलूंगा जय जय आप सभी को बोलना है महाराष्ट्र जय जय महाराष्ट्र जय जय महाराष्ट्र क्या बात है चाहे okay, okay. कि कौन छान शायरी कि गाना बोलू शायरी कि गाना कौन है नए की शुरुआत होने जा come. रही है रोहन खरात 24 गेंदों में 18 रनों की जरूरत है और संजू करोजी और सुरेश भट्ट चार बॉल बारह पर भट्ट छह बॉल अठारह पर संजू ग्रुप को टॉप करने की दिशा में रोहन खरात पूना का एक लोकल टैलेंट इनके अंदर बहुत सारी प्रतिभा कूट कूट कर भरी है क्या वो एक मैजिक स्पेल करेंगे लेग ब्रेक थी टर्न और बाउंस

अगले साल हो सकता है कि हमें लेडीज के लिए एक अलग स्टैंड भी देखने मिले इस बार टर्न होकर गेंद अंदर की तरफ आई बैकफुट पर गए बहुत धीमी गेंद थी इसलिए खेलना आसान रहा दो रन को पूरा करते हुए संजू कनौजिया सैतीस पर एक पंद्रह की दरकार सबसे बड़ी बात देखिए इससे दोनों जिस तरह खेल रहे सुरेश और संजय हर एक रन को इंपॉर्टेंट दे रहे हैं सिंगल को डबल में कन्वर्ट कर रहे हैं सिंगल खेल रहे हैं अच्छी गेंद को सम्मान दे रहे हैं तो ये अच्छा लगा देखकर इनकी बैटिंग में इस बार स्विटीट लगाने गए युवा खिलाड़ी रोहन खरात उदयमान खिलाड़ी है और इस तरह के बड़े फलक पर जब आपको अवसर मिलता है तो आप सुनहरे अफसर को निभाते देखिए अब यहां पर कंट्रोल नहीं रहा वाइड बॉल दी गई है स्कोर आगे बढ़ता हुआ अड़तीस पर एक चौदह रन चाहिए ग्रुप को टॉप करने के लिए इस बार बैकफुट पर गए और बड़े आसानी के साथ खेल दिया है यहां पर एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर एन बी फोर क्या बैटिंग कर रहे संजू कनौजिया हाथ में का कागज हो और पार्कर का पेन हो दस्तखत करने में जो मजा है इस तरह मखमली शॉट वहां पर खेला संजू कनौजिया ने कनौजिया पहुंचे चौबीस पर बयालीस पर एक फोर्टी टू फोर वन दर्शकों में भी बहुत उत्साह है इस बार बैकफुट पर जाकर खाली जगह में खेल दिया इस बार एक और एन फोर हो जाएगी और यहां पर विजय के मार्क पर प्रशस्त करते हुए संजू कनौजिया और तीन ओवर छियालीस रन एक विकेट थैंक यू थैंक यू कमेंट्री पैनल और यहां पे हमारे साथ देख सकते हैं आप इंडिया कप के साथ ये और 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 एक सेकंड एक सेकंड ओके सो सेकंड इंडिया कप ओके 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 सभी बैठ जाइए ओके okay, सभी बैठ जाइए किसी okay. लोग बैठ जाइए वी हैव अ रियल टैलेंट विथ अस और आज आप क्या गाने वाले <hish> एक मिनट हेलो 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 तो से हाँ चाहिए मात्र जीतने के लिए और सामने साइक पे सुरेश भट्ट पहली बॉल देखिए थोड़ा सा परिपक्व पारी, पारी मैच्योर पारी कही जाएगी परिस्थितियों को ताड़ते हुए और लेकिन इसका पूरा जो श्रेय गेंदबाजों को भी जाता है जिन्होंने एक अच्छे स्कोर तक सीमित रखा और फिर बल्लेबाजों ने उसके ऊपर काम किया और दोनों की बैटिंग अगर देखें हर तरफ शॉट खेले हैं जहां मौका मिला प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट भी देखने को मिला है फिर से एक बार, बार यहाँ पे जाने दिया हालांकि काफी बाहर एक रन मिलेगा एक्स्ट्रा के रूप में रन चाहिए बोर्ड पे लग चुके हैं अब 48 अब चाहिए मात्र चार रन पूरी तरह से मैच को डोमिनेट किया है आज दिल्ली एनसीआर ने अपने पहले दो मैच जीत चुके हैं और तीसरे विजय की तरफ अग्रेसर अगली बॉल शॉर्ट ऑफ लेंथ इस बार प्रयास मिड विकेट की तरफ गेंद के लॉन्ग ऑन की तरफ पीछे फील्डर है नहीं काफी दूर खड़े हैं निकल जाएगी बाहर बाउंड्री मिलेगा इसी बाउंड्री के साथ ये मुकाबला दिल्ली धमाका के नाम अभिनंदन हेमंत बनियाल साहब और दिल्ली एनसीआर धमाका क्रिकेट क्लब देखे क्योंकि अगर चार भी मिलते हैं तो बावन है और छः मिलते हैं तो चौवन है यानी कि हर सूरत में ये विजय मुबारक हो धमाका को इलाका किसी का भी हो धमाका हमारा रहेगा यह संदेश देकर वापस लौटते हुए संजू कनौजिया और सुरेश भट्ट बारह बॉल बत्तीस नाबाद संजू कनौजिया छः बॉल चौदह नाबाद सुरेश भट्ट और यहाँ पर कैप्टन अविनाश राणा बब्बू टीम को मुबारकबाद देते हुए ये मैच समरी कृष्णा सातपुते अठारह बॉल बाईस अजित मोहिते चार बॉल नौ शुभम चार बॉल आठ अक्षय चार बॉल आठ और मोहित मीना एक ओवर नौ रन दो विकेट राजू मुखिया एक ओवर चौदह रन एक विकेट अविनाश राणा दो ओवर अठारह रन एक विकेट अनुराग साराशर दो ओवर दस रन कोई विकेट नहीं दूसरी पारी में अगर देखें तो कहानी बिल्कुल साफ़ है विकी भोईर एक ओवर सोलह रन एक विकेट और उसके बाद कोई विकेट गिरा नहीं है तो दोस्तों बिल्कुल खूबसूरत स्कर्टिंग्स आप देख रहे हैं एन बी के ग्राउंड पर उमदा कैमरा वर्क और मैन ऑफ द मैच अवार्ड अब यहां से हम अनाउंस करेंगे इसके अलावा ये कल का हमारा शेड्यूल है लेकिन ये कल के जो चार मैच है वो आपको बताए जा रहे हैं आज रात को जो आखिरी मैच था वो कल पहला मैच होगा दोपहर तीन बजे फिर ये चार मैच और ये चार मैचेस की खासियत ये है कि टीमें अपने मुखालिफ ग्रुप की टीमों से खेलने जा रही है दिल्ली एनसीआर पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश